तो क्लास 11th के इतिहास के सभी विद्यार्थी, लो जी आ गया है आपका 16 सितंबर का एकदम रियल पेपर। यही प्रश्न पत्र आपको सुबह परीक्षा हाल में देखने को मिलने वाला है। चलिए, तो मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? दजला फरात नदी के। लेखन की जो कला का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था मेसोपोटामियन ने। यहां से तीसरे का आपका आ जाएगा जेद अवस्था, ठीक है। यायावर का क्या अर्थ है? घुमक्कड़, ठीक है। करिलताई क्या थी? मुगलों की सैन्य टुकड़ी। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुजीन, ठीक है। मेसोपोटामिया की किलकार लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पहले पढ़ा था। राजा जिम रिलिंग का महल, ठीक है, कहा था? मेसोपोटामिया मारी में स्थित, तो मारी में स्थित है, ठीक है। तो ये मैं है यहां पर, और ये दूसरा है, और यहां पर देखिए तीसरा आप ढूंढ लेना, जितना मिला है वो बता रहा हूं मैं आपको। और पांचवे का आपका जाएगा नायोन, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फटाफट से, आप तो कंप्लीट कर लेना, यही प्रश्न पत्र आपका परीक्षा हाल में सुबह आ रहा है, ठीक है। आपको परीक्षा हाल में यही 2 बजे परीक्षा में दिखने को मिलेगा, ठीक है। कुबलई खान का यहाँ पर देख लीजिए, जोड़ी भी आप जितनी मिली है, देखिए आप तो जो बता रहा हूँ जो सही सही मिला ना वही आपको बताऊंगा, गलत चीजें नहीं बताऊंगा। यहाँ से आप एक वाक्य में उत्तर की बात करें तो किलकार लिपि के अक्षरों को किस वर्ष में पहचाना और पढ़ा जा गया? तो 300 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया ने। षट दशमिक प्राणी किस सभ्यता से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से है। विश्व की शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी? मेसोपोटामिया में हुई थी। और मंगोल सेना की सबसे बड़ी सैन्य इकाई को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका होर्ड मंगुदाई, यहां से देख लीजिए आप, ठीक है। और इसके बाद चंगेज खान का जो जन्म है कब और कहाँ हुआ था, ठीक है, 1162 ईस्वी में हुआ था इसका, और मंगोलिया में हुआ था। चंगेज खान के जो पिता है येसुजाई किस कबीले के मुखिया थे? कियात कबीले के मुखिया थे। कौन से? कियात कबीला। मंगोल मध्य एशिया के किस क्षेत्र के निवासी थे? मध्य एशिया और पूर्वी एशिया में रहने वाली जाति के। यहां से देखिए, उरुक नगर मेसोपोटामिया में के सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था। कुम्हार का चाक हड़प्पा सभ्यता की देन है, असत्य है। यहां से देखिए सत्य सत्य मैंने भर दिए हैं। यह है आपका मेसोपोटामिया सभ्यता किन किन सभ्यताओं से मिलकर निर्मित हुई? मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है या किस भाषा से लिया गया है? परिवार है, देख लीजिए एकल परिवार से के आधार पर ये मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार से के आधार पर ये, यही प्रश्न पत्र आपके सुबह आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो और अच्छे से जितने आप कंप्लीट कर सकते हो परीक्षा हाल में 2 बजे, ठीक है भैया, यहाँ पर आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चन नंबर ये 16 और ये 17, 18, 19, 20, ठीक है। यहां से देखिए आप, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 और ये क्वेश्चन नंबर 22 और ये 23। तो ये मैंने आपको क्लास 11th का हिस्ट्री का, ठीक है, हिस्ट्री का पेपर आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। यही प्रश्न पत्र आपका आएगा। आप तो 100% जितना कर सकते हो करो, भले ये पढ़ लो, उसके अलावा आपको मर्जी पढ़ दो, भले ही पढ़ लीजिए।